हिंडनबर्ग वर्सेस गौतम अडानी। आज बात करूंगा गौतम अडानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मानवेंद्र सिंह बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल। मानवेंद्र बिजनेस एकेडमी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं बिजनेस सीखने के लिए। तो बात करूंगा हिंडनबर्ग की क्या सच्चाई है और गौतम अडानी को लेकर जो खबरें आ रही वो फेक है या गौतम अडानी फेक है या फिर उन्होंने लोगों को धोखा दिया। देखिए, आज गौतम अडानी की जो स्थिति आ खड़ी है वो बहुत ही सोचने लायक है। आज गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट व्यक्ति थे, सबसे धनी व्यक्ति थे, वो आज दुनिया के आठवें तो छोड़िए लगभग पांच छह, एक रिपोर्ट आई थी दो दिन पहले जिसमें वो आठवें व्यक्ति थे अमीर दुनिया के। कई लोग उनसे आगे जा चुके थे, अब वो 10 लोगों से भी बाहर हो चुके हैं। यही हकीकत है, पर कुछ लोग इसे अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो गलत है, वो फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको समझने लायक पॉइंट है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 100% सच है, पर हमारे देश के लोग इसे कुछ झूठ साबित करने में लगे हुए हैं। उनको डर है कि कहीं गौतम अडानी की संपत्ति के बारे में लोगों को जानकारी ना हो जाए तो उसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट कहीं रुक ना जाए। जो इन्वेस्टमेंट में गौतम अडानी के पास जा रहे थे वो इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी के पास वापस आ जाएंगे और गौतम अडानी नीचे चले जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इस डर से चाहे वो कोई देश के बिजनेस कंसल्टेंट हो, बिजनेस सलाहकार हो, या फिर बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उनका कहना है कि हिंडनबर्ग गलत है, लेकिन गलत तो वो खुद है क्योंकि सच्चाई को नहीं बता रहे हैं। बिजनेस गुरु का काम होता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो या बिजनेस कर रहे व्यक्ति हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपको सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, जो कि आज नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, हिंडनबर्ग तो गलत नहीं दे सकता क्योंकि हिंडनबर्ग कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के लोगों के बारे में बात करती है, ये पूरे वर्ल्ड को बताती है कि ये कैसा काम करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उसको गलत साबित करने में लगे। उनको गलत साबित करने से क्या हो जाएगा, गौतम अडानी की संपत्ति आज बहुत कम हो चुकी है जहां पर कहते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है। गौतम अडानी आज धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि वो भारत के भी आठवें अमीर रह जाएं, क्योंकि गलत शेयर में। आपने देखा होगा कि एक फिल्म थी जो कि स्टॉक मार्केट के हर्षद मेहता के ऊपर बनी थी, उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया। उसी प्रकार से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौतम अडानी ने स्टॉक मार्केट में घोटाला किया, पर कहीं नहीं कहा कहीं तो कहीं ये घोटाला हुआ है जिसकी वजह से आज गौतम अडानी की संपत्ति कम हुई है कुछ दिन, एक गलत है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 100% सच है। दूसरी चीज, कि हिंडनबर्ग की आज तक रिपोर्ट गलत क्यों नहीं थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आज गौतम अडानी की संपत्ति कम है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कम है। जब गौतम अडानी की रिपोर्ट बढ़ रही है, जब गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ रही है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है, और जब आमदनी घट रही है तो हिंडनबर्ग गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो चीज उसके जब आपके पक्ष में जो काम हो रहा है वो सही है, जो पक्ष में नहीं हो रहा वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सच्चाई पर है, पर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे देश के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। हिंडनबर्ग को समझो, और ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो दुनिया के आठवें या दसवें या दस से भी बाहर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए आगे जाने के लिए, क्योंकि जो व्यापारी होता है, एंटरप्रेन्योर, उसका मकसद होता है कि नंबर वन बनना। तो नंबर वन बने, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, और सभी लोग जो हमारे दर्शक हैं वो भी आगे बढ़े, अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाए, फेम नेम फेम गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा करें। पर जो है, सच्चाई को ना छुपाया जाए, क्योंकि सच्चाई को छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए, और हिंडनबर्ग और गौतम अडानी के बीच के फर्क को समझा इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।